नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्रामीणों ने कहा कि पति पत्नी मिलकर संभाले 11 सालों तक पंचायत का कमान, धरातल पर नहीं देखा विकास का कोई काम। भवनाथपुर से ओस्तास अंसारी की रिपोर्ट। भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के सिंदुरिया पंचायत के लोगों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए बताया है कि कोई भी विकास योजना धरातल पर नहीं आया है। ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त किया है और कहा है कि सिंदुरिया पंचायत में वर्ष 2010 में रेखा देवी मुखिया पद में जीत हासिल की, फिर 2015 में रेखा देवी के पति राजेश गुप्ता जीत हासिल किए, लेकिन दोनों पति पत्नी मिलकर 11 सालों तक पंचायत सिंदुरिया पर राज किया, मगर पंचायत के लोगों को इंदिरा आवास, सड़क, शौचालय, यहां तक कि पेंशन से भी लोगों को वंचित रखा। आज हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर बातचीत किया तो मुखिया का खुल गया राज। उपस्थित लोगों ने बताया कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र लाल पड़ेगा। घर कहाँ है? घर सिंदुरिया पंचायत। ये मतलब इसी पंचायत के रहने वाले यहाँ पे हैं? अभी मुखिया कौन है यहाँ पे? मुखिया राजेश मुखिया है अभी के डेट में। कि मतलब 5 साल से हैं या इससे पहले भी मुखिया थे? इससे पहले उनका पत्नी था मुखिया। पति पत्नी मिला के 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। क्या क्या काम किए हैं यहाँ पे आपके पंचायत के अंदर? काम तो इसे कुछ नहीं किए हैं, लेकिन और जो बाकी जो है काम किए हैं। सड़क नहीं बना है, आवास मिला है, आवास भी नहीं मिला है, शौचालय मिला है। शौचालय मिला, शौचालय मिला तो अच्छा तरीके से बना नहीं है। अच्छा तरीका से बना नहीं था, मतलब शौचालय यूज करते हैं बना है तो नहीं। तो कहाँ से बना है वो? नहीं, वो भी फेल है। कितना दिए हैं शौचालय में? 12,000 का आया था तो 12,000 का शौचालय थोड़े बना है। आपका नाम क्या? 12,000 तक है, ज्यादा नहीं है, कम है। अति शौचालय में? शौचालय में भी है, रूम थी कॉलोनी वाला में। आवास में कितना घुस मांगते हैं? 10,000 दे दिए हैं क्या? अभी नहीं दिए, दिया गया है बिना दिल मिले। कौन घुस कौन लेते हैं? ये राजेश, राजेश मुखिया लेते हैं। सड़क भी नहीं बना है? नहीं, कहीं नहीं बना है। नाली भी नहीं बना होगा? नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ 10 साल से पति पत्नी मुखिया का सीट खाली संभाले हुए हैं। आपका नाम है जी? तो मुंडा नाम है। मुखिया मुठा थे, ध्यान दो लो। नाम नाम तो मुंडा नाम है। घर कहाँ है? घर सिंदुरिया है। यहाँ ही आवास मिला है? नहीं मिला है। लैट्रिन? लैट्रिन मिला है, वो गिर गया। वो गिर गया है। और रोड 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 तो कहीं नहीं है। रोड तो कहीं बनवे नहीं किया है, ना नाला बना है। चाहिए 11 साल हो गया मुखिया पति पत्नी के रहते हुए, तो यहाँ पे काम क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, अपना जो है अपना विकास किए हैं। अच्छा, का विकास नहीं हुआ है। अपना विकास मुका का विकास किए? विकास नहीं हुआ जो है, समझिए घर बना लिया अपना अच्छा तरह से। अच्छा, और जमीन है, पेट्रोल पंप चल रहा है। अच्छा, और यहाँ के जनता जो है विकास से वंचित है। क्या बोलते हैं, आवास के लिए आप गए थे? आवास के लिए गए थे तो बोला कि 15,000-10,000 लेंगे। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहाँ पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।